Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on computer section for the RRB PO mains and clerk. अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे हो या फिर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे हैं देन आपने लास्ट ईयर जो भी ईपी जैसे एग्जाम्स हुए थे ईएसआईसी वगैरह के उसमें कंप्यूटर सेक्शन आता है तो आपने देखा होगा कि आई वाज सो गुड इन कंप्यूटर टच वुड जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ी सी उसमें मैंने हार्ड वर्किंग की थी. हालांकि अभी 2 महीने से मैंने छोड़ दिया तो मुझे डर लग रहा है तो अभी दोबारा से 1 मंथ में उसको चीज़ को कैच करना है तो हो जाएगा क्योंकि वो चीज़ें अभी रिवाइज ही करनी है. तो मैंने कैसे किया था मैं आपको बता देती हूँ. फ्री आपको वीडियोस मिल जाएंगी, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी अरोड़ा एजुकेटर सर की यूट्यूब से. अभी आपके पास उतना शायद टाइम नहीं होगा. मैंने तो बहुत बहुत पहले लास्ट ईयर किया था जिसमें पेपर से 3-4 महीने पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था मैंने. तो पहले सर की वीडियोस लगानी, उसके साथ मैंने नोट्स प्रिपेयर करना, फिर नोट्स से उनको रिवाइज करना टाइप ऑफ दैट. तो आप वैसे ही सर की वीडियोस देख के जाओ. और उसके अलावा अब आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक देकर जाओ, जैसे लाइक कि जैसे गाइडली है, गाइडली पे आप यहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शनल मॉक्स आते हैं कंप्यूटर के जिसमें क्वेश्चंस होते हैं. तो आप वो वाले क्वेश्चंस को देखो करो, वो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने तो उससे आपकी चीजें भी ज्यादा माइंड में क्लियर होंगी, ज्यादा चीजें आपको पता लगेंगी. एक क्वेश्चन में 4-5 चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. तो वैसे ही आप वो वाला मॉक लगाओ और उसको चाहे ना आपको आधा घंटे का मॉक है वो आप आधे घंटे बैठ के उस मॉक को देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, आप उसको पढ़ो. उसके बाद में उस मॉक को खत्म होने के बाद में दोबारा उसके आंसर्स के साथ उसको पढ़ो तो वो 2 बार हो जाता है. एक तो ये कि आपको हुआ नहीं तब वो माइंड में बैठ जाएगा कि यार इसका आंसर क्या होगा, दोबारा जब करोगे उस चीज को तो वो पता लगे कि ओके इसका आंसर ये है. तो वो ज्यादा हेल्प करती है. जस्ट लाइक पेपर देके आते हैं अपन, पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ क्वेश्चन हमसे नहीं बनते लेकिन पेपर में किए हुए करंट अफेयर में हमेशा याद रहते हैं कि यार उस क्वेश्चन का आंसर मैंने उस टाइम वो किया था, जस्ट बिकॉज हमने वो किया है. अगर हमने कोई गलती की है क्वेश्चन में तो डेफिनेटली याद रह जाती है. तो वैसे ही मॉक का बहुत बड़ा फायदा है. तो आप ऐसे मॉक से मैं आप कहूंगी कि ज्यादा प्रेफर करो मॉक से देना. अदरवाइज फ्री पीडीएफ भी आती है, गाइडली की भी आती है, फ्री पीडीएफ भी पढ़ सकते हो. उसके अलावा अदर सोर्सेज की भी आती है वो भी पढ़ सकते हो. एंड उसके अलावा तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया ये यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं अरोड़ा एजुकेटर सर की, आप उनको देखो, उनसे जाके करो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके एंड अदर देन दिस इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बिलो, विल ट्राई बेस्ट कि आपको अप्लाई करूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.